मॉर्निंग क्लास सेकंड इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश सेकंड ओपन योर बुक पेज नंबर 13 चैप्टर 2 जंबल्ड सेंटेंसेस। जंबल्ड भी होता गड़बड़, इधर का उधर लिखना। वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, इधर उधर लिखना, शब्द को घुमा फिरा कर लिखना। सेंटेंस वाक्य, वाक्यों को घुमा फिरा कर लिखना। दौड़ रहा हूँ मैं, अब ये सेंटेंस नहीं बना है, मैं दौड़ रहा हूँ। आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। फास्ट आई रन, ये सेंटेंस नहीं बना है, ये जंबल सेंटेंस है, हमको इसको सही करके लिखना है। पहले भी मैं आपको सेंटेंस के बारे में बता चुकी हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह जो नंबर से जमा कर लिखा होगा वही वाक्य कहलाएगा। लेट अस नाउ रीड जंबल्ड सेंटेंसेस। सेंटेंस को जो है घुमा फिरा के लिखना है, लिखा हुआ है, हम उसको सही करके लिखना सीखेंगे। ए लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, ये नीचे जो बच्चों देखो, ये सेंटेंस लिखा, ये लिखा हुआ तो है सेंटेंस, पूरा सेंटेंस है, बट इसका मीनिंग प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है। नॉटी माउस द वॉज, ये माउस है, ये शैतानी शैतान है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, शैतान चूहा था, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लेट अस राइट दीज वर्ड्स लाइक दिस, अब इसको हम सही तरीके से जमा के लिखेंगे। द माउस वॉज नॉटी, चूहा शैतान था, अब ये सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जंबल सेंटेंस है, इसको हमने कंप्लीट करके लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, लेट अस नाउ रीड। नाउ दीज वर्ड्स हैव अ मीनिंग, दे फॉर्म अ सेंटेंस, वही वाक्य बनता है जहाँ पर शब्दों के समूह का अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलता हो। लुक एट अनादर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमने ऊपर पढ़ा था नॉटी माउस वॉज द बॉस, इधर देखो एंग्री लायन वॉज द, अब ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। दिस ग्रुप ऑल्सो डज नॉट हैव एनी मीनिंग, सेंटेंस तो है पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेट अस चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, अब इन वर्ड्स को हम ऑर्डर में लिखेंगे। द लायन वॉज एंग्री, शेर गुस्सा था, शेर नाराज था। अंडरस्टैंड, ये मैंने आपको टू सेंटेंस आपको समझा दिए। नाउ दीज वर्ड्स हैव अ मीनिंग, इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। रीअरेंज बी, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको हमको अरेंज करके लिखे हुए हैं, इनको रीअरेंज दोबारा अरेंज करके लिखना है। ड्रेस इज हर ब्यूटीफुल, आंसर हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, ये वाला इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये वाला कंप्लीट सेंटेंस है। नाउ सेकेंड, इन टू ही जम्प्ड द रिवर, आंसर ही जम्प्ड इन टू द रिवर। थर्ड वन, बाइसिकल इज हर ब्लैक, आंसर हर बाइसिकल इज ब्लैक, काली है उस साइकिल है उसकी, काली उसकी साइकिल काली है। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑफ यू, राइट इन योर बुक, चेंज योर पेज, पेज नंबर 14, इसी का ही आंसर है ये। वाटर योर वेयर बॉटल इज, ये आपको बुक में ही करने हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, वेयर इज योर वाटर बॉटल, ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें नहीं लगा हुआ है, हमने लगाया है। वेयर इज योर वाटर बॉटल, आपकी पानी की बोतल कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमने क्वेश्चन लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। फाइव, प्लेइंग आरव इज हीज टॉयज विथ, आंसर आरव इज प्लेइंग विथ हीज टॉयज। नेक्स्ट वन, आयुष यू हैप्पी डू थिंक इज, आंसर आयुष इज हैप्पी डू यू थिंक, अब ये डू यू थिंक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। बीट द ड्रम ही लाउडली कैन, ही कैन बीट द ड्रम लाउडली। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, डू इन योर बुक,
नॉट इन कॉपी। 8-1 अ लॉयन द बॉय ड्रू, द बॉय ड्रू अ लॉयन। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन सी, टिक राइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस। ये सेंटेंस है, इसमें कौन सा सेंटेंस कंप्लीट है, कौन सा इनकम्प्लीट है, उसके ऊपर राइट और रॉन्ग का साइन लगाना है। अ स्वीट एप्पल, एक मीठा एप्पल, ये वाक्य नहीं है, सेंटेंस नहीं है, रॉन्ग। द विंडो इज ओपन, राइट। ही इज एन आर्टिस्ट, राइट। ये सेंटेंस बन रहे हैं दोनों, ये इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट वन, डोर अंकल ओपन माई, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। हॉर्स आर ब्लैक, रनिंग इज रॉन्ग। हैव न्यू आरो अम्ब्रेला ए, इट वॉज ऑल्सो रॉन्ग। वर माई येलो शूज, रॉन्ग। गर्ल्स हैव सॉफ्ट वॉइस, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। टिक ऑन द मार्क, राइट और रॉन्ग, डू इन योर बुक। इफ एनी प्रॉब्लम टेल मी बेटा। ओके।